Good morning, students. Welcome to your computer class. Now, in this particular chapter, I will be talking about input statement with prompts. As you must have remembered, in the last video, I had talked about input statement. So now, what is with this with prompt? Well, what basically happens that whenever we are actually writing a program and we are using input statement in that. तो आपको याद होगा कि जब भी हम input statement use करते थे और अपने program को run कर रहे थे तो हमारे जो output screen पे question mark basically appear हुआ करता था और उस question mark का basically मतलब क्या था, ये था कि भी हमें यहाँ पर कोई ना कोई value को input करना है, right? और उस क्वेश्चन मार्क में जो भी हमने वैल्यूज इनपुट करी उसकी बेसिस पे वो हमें आउटपुट करता था शो. बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर हम क्वेश्चन मार्क ही खाली शो हो रहा है तो एनी इंडिविजुअल पर्सन जिसने वो प्रोग्राम नहीं लिखा या उस प्रोग्राम के बारे में उसको नहीं पता तो वो ये समझ नहीं पाएगा कि इस क्वेश्चन मार्क के बाद मुझे यहाँ पर क्या वैल्यू इनपुट करनी है. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम जो है अपने इनपुट स्टेटमेंट्स का प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं. प्रॉम्प्ट बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट कि हम वहाँ पर एक काइंड ऑफ टेक्स्ट बेसिकली लिखते हैं. वो टेक्स्ट जो है हमारा हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर शो होता है. तो उससे जो भी आदमी उस प्रोग्राम को रन कर रहा है वो बेसिकली समझ पाएगा कि मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या इनपुट करनी है. तो इस तरह क्या होता है, इट बिकम्स ईजी फॉर एनी पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट हमें क्या क्या वैल्यूज हम इनपुट करेंगे और जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसके बाद वो आउटपुट बेसिकली किस चीज़ का है आउटपुट जो हम वहाँ देख रहे हैं. सो नाउ व्हाट आई विल डू दैट मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा इन विच आई एम गोइंग टू रन बोथ दी कमांड्स आई एम गोइंग टू रन बोथ दी प्रोग्राम इन विच जिसमें मैंने प्रॉम्प्ट का यूज़ नहीं करा है. उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉम्प्ट का यूज़ करने के बाद दोनों के जो आउटपुट में डिफरेंस क्या आता है. सो विद दैट यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड कि किस तरह प्रॉम्प्ट यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है. सो आई एम गोइंग टू ओपन अप माई क्यूबेसिक. So as you can see that I have opened QBasic on my computer. So in this particular QBasic, I have written a program in which you can see that I have taken input L, input B, then I have written L, let A equals to L into B and print A and finally end. So in this program what is basically happening कि मैं यहाँ पर दो वैल्यूज़ में ले रहा हूँ L और B, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद उनका जो भी बेसिकली आउटपुट निकलता है उसको मैं A के अंदर एक तरह से सेव कर रहा हूँ और उस A को जो के अंदर जो भी इसका आउटपुट सेव हुआ है वो मैं बेसिकली मैं प्रिंट करवा रहा हूँ. तो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, सो रन करने के लिए आई एम गोइंग टू गो टू रन एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन स्टार्ट. सो दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू रन. तो अब आप देखेंगे अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बेसिकली अपीयर हो रहा है. ऑफकोर्स क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम लिखा है मुझे पता है यहाँ यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू एंटर करनी है. तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने वैल्यू एंटर कर दी है 6 और मैं कीबोर्ड से एंटर दबाता हूँ. एंटर दबाने के बाद अगेन फिर से क्वेश्चन मार्क आता है. इस क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है कि यहाँ पर मुझे एक और वैल्यू को इनपुट करना है और मैंने यहाँ पर 8 एंटर कर दिया और मैं अपने कीबोर्ड का जो एंटर की है मैं उसको प्रेस करूँगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो 48 आया है. अब इसमें क्लियरली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कि ये है कि अगर कोई ऐसा आदमी इस प्रोग्राम को रन कर रहा है जिसने प्रोग्राम नहीं लिखा है तो वो सिर्फ इस आउटपुट को देख के समझ नहीं पाएगा कि ये जो वैल्यूज़ जो एंटर करी गई हैं ये वैल्यूज़ बेसिकली क्या हैं और जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो आउटपुट हमें किस बेसिस पे मिल रहा है. सो ये बेसिकली विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर एनी इंडिविजुअल जो ये बेसिकली प्रोग्राम का आउटपुट फर्स्ट टाइम देख रहा है. तो हम इसमें अब प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा कि इसका आउटपुट समझने में हमें बहुत आसानी होगी एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर एनीवन जो इस आउटपुट को देखता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करे हैं. अब मैंने यहाँ पर इनपुट एल की जगह पे मैंने यहाँ पर एक इनपुट और एल के बीच में मैंने एक टेक्स्ट लिखा है एंटर दी लेंथ. उसी तरह मैंने सेकेंड जो वेरिएबल बी था उसके अंदर इनपुट और बी के बीच में मैंने एंटर दी ब्रेथ लिखा है. तो उसके बाद प्रिंट जहाँ हम करवा रहे हैं वहाँ मैंने लिखा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. इससे बेसिकली क्या होगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह खाली ये लिखकर आएगा एंटर द लेंथ. उसमें मुझे पता ये चल जाएगा कि मैं जो यहाँ वैल्यू एंटर कर रहा हूँ वो क्या वैल्यू है, वो दैट मीन दैट इज लेंथ. उसी तरह
खाली जो बी की जगह पे क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा था वहाँ बेसिकली ये एंटर द ब्रेथ आएगा, उससे क्या होगा मुझे ये पता चलेगा जो मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ ये बेसिकली ब्रेथ है। और फाइनली द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू, एक अंदर क्या होगा कि जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली लिख कर आएगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू जो भी आउटपुट आता है, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि जो आउटपुट है ये क्या है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम एंड देन यू विल सी कि वॉट द डिफरेंस इज बेसिकली। सो नाउ यू कैन सी कि खाली क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है एंटर द लेंथ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू एंटर द लेंथ, that means 6. So I've entered the length as 6 and I'm going to press the enter key. Now ये मुझसे जो है second value जो input कराने के लिए कह रहा है वो है हमारी breadth. तो यहाँ पर breadth जो होगी वो होगी 8 and again I'm going to press the enter key of my keyboard and now you'll see the output जो इसका 48 आया है, उससे पहले यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, the area of the rectangle equals to 48. So now with this what happens कि मुझे एग्जैक्टली पता चल गया क्या मैं वैल्यूज़ यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ और उन वैल्यूज़ के इनपुट करने की करने के जो है आपका बेसिस पे जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो क्या है। सो विद दिस हम जो है एक जो भी हम बेसिकली प्रोग्राम लिखेंगे उसका जो एक तरह से आउटपुट होता है वो एक तरह से ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, दैट मीन जो भी इंसान इसको देख रहा है उसके समझ में ईजिली आ पाएगा। नाउ विद दिस I'm going to conclude my this particular lecture and I hope कि आपको ये particular topic जो using prompt है input statement समझ में आया होगा, but still at any given point of time if you have any problem understanding it you can always contact me as I'm surely going to help you regarding this particular topic. Thank you.